नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। और जब मार्केट में करेक्शन होता है और तब हर कोई व्यक्ति का मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ ही जाते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। देखिए, उसी के बारे में मैं कंटिन्यूसली आपके साथ चर्चा करता हूँ और आप लोगों जो कंपनीज के ऊपर कमेंट्स भी करते हैं उसके ऊपर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं यही चाहता हूँ कि आप सीखिए। आप हमेशा सीखिए, सीख कर काम करिए। किसी भी टिप्स किसी व्यक्ति के पास जाकर टिप्स लेने का जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति के पास जाकर आपको सारे चीज को समझने का जरूरत, मतलब वो क्या बताया उसके बेसिस में काम करेंगे ऐसे बिल्कुल मत करिए। आपको मैं जो चीज दिखाऊंगा सारे के सारे एडुकेशन पर्पस में होगा। आपको उसमें खुद का मतलब फंड इन्वेस्ट करना है, किसी भी कंपनीज के ऊपर आपका खुद का पैसा लगाना है तो सोच समझ कर जरूर लगाइएगा। और आपका फंड का रिस्क क्या, मतलब कैपेसिटी आप कितना है, मतलब कितना आप रिस्क ले सकते हैं, वो सारे चीजों को मेजर करके ही आप काम करना। हाँ, एक चीज अब मैं बोल सकता हूँ, आपका टोटल जो मतलब कैपिटल लेकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं, टोटल जो कैपिटल लेकर आप काम करने के लिए आए हैं, तो उनमें से अगर आप बिगिनर है, फर्स्ट टाइम मार्केट में आया है, तो एक साल भी आपका नहीं हुआ, तो मैं जरूर कहूंगा आप 3% से ज्यादा कोई भी स्टॉक के ऊपर मत लगाइए। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो 5% तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा 1 रुपया भी मत लगाइए। तो कहने का मतलब है, अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश करने के लिए आए हैं तो उनमें से बिगिनर लोग 3% से ज्यादा, मतलब 3,000 से ज्यादा एक शेयर में मत लगाइए, और थोड़ा सा जिसके एक्सपीरियंस है वो 5% से ज्यादा मत लगाइए। देखिए, आप कहेंगे सर, आप कहेंगे आपके हिसाब से मैं चलूंगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, मुझे तो ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मैं ज्यादा लगूंगा। देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसी तरीके से काम करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आपको काम आपके हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे एक शेयर में भी मैं पूरा कोई पूरा 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपया लगाऊंगा, तो वो आपके राय है, आपके हिसाब से जरूर चल सकते हैं। मेरा काम था आपको समझाना, आपका काम है समझ कर काम करना। तो देखिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक सारे अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है IRCTC। देखिए, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो सबसे पहले अपडेट शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद कंपनी के बारे में जानकारी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। देखिए, IRCTC का आप सभी जानते हैं, ट्रेन से लेकर कंपनी फ्लाइट तक हर किसी हर कोई मतलब जो बुकिंग प्लेटफॉर्म है, हर अलग अलग बुकिंग प्लेटफॉर्म में कंपनी खुद को टिकट बेचते हैं। तो कंपनी की जो फ्लाइट का जो बुकिंग प्लेटफॉर्म है उनमें कंपनी क्या बता दिया कि IRCTC शेयर ऑन रेज ऑन ऑफर ऑफ द 0 कन्वेंशन फीस। देखिए, कंपनी क्या बता रहा है कि जो कन्वेंशन फीस होते हैं कोई भी ट्रेन और फ्लाइट बुक करने में, ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट बुक करने में, तो उस फीस को कंपनी क्या कर रहा है, वो जीरो कर देंगे, मतलब जीरो कंपनी करेंगे। और इस कन्वेंशन फीस को अगर जीरो करेंगे तो कंपनी के ऊपर जो बुकिंग प्लेटफॉर्म है और वो बुकिंग प्लेटफॉर्म के जो इनकम है वो यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। देखिए, एक चीज आप समझिए, मान के चलिए आज आपको ब्रोकिंग फर्म में कोई भी शेयर बाय सेल करते हैं तो आपको एकदम ना के बराबर ब्रोकरेज देना पड़ता है। एक जब मैंने फर्स्ट मतलब ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए थे तो 5% तक मतलब चार्जेस देना पड़ता था। तो सोचिए कितना बड़ा चार्जेस ज्यादा देना पड़ता है था। तो इसी बेसिस में देखा जाए तो जब कोई भी चार्जेस कंपनी कम करते हैं तो उसका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एयर टिकट आप देखेंगे तो जो आप देख सकते हैं, इट हैज ऑल्सो लॉन्च्ड ऑफर अदर्स ऑफर विथ डिस्काउंट अप टू 2,000 ऑन एयर टिकट्स, मतलब 2,000 से ज्यादा कोई भी एयर टिकट होगा तो उसमें आपको अलग लेवल का छूट दिया जाएगा, और वो भी किसका छूट, कन्वेंशन फीस जो है उसका छूट दिया जाएगा। और इसी की बात के चलते हुए अपकमिंग कुछ ईयर्स में, अपकमिंग कुछ टाइम्स में IRCTC का ग्रोथ होने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर, कंपनी के ऊपर इतना शानदार न्यूज आया तो फिर भी कंपनी के ऊपर उतना पॉजिटिवली मोमेंटम क्यों नहीं दिखा? देखिए, हमेशा कुछ न्यूज का इम्पैक्ट मतलब फटाफट नहीं होता, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे कंपनीज के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में है, जैसे ROE बेस्ट है, इनकम भी जबरदस्त है, डेप जीरो है, और हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज भी अच्छा खासा है, EBITDA मार्जिन भी बेस्ट है, रिटर्न ऑफ एसेट भी ठीक है, ROC भी ठीक है, और पैग रेशियो भी 1% के ऊपर है। तो हर दिशा में देखा है तो कंपनी में बेस्ट परफॉर्मेंस है। हाँ, कुछ कुछ वीकनेस पॉइंट भी है, जैसे मार्केट कैप टू सेल्स 14 रुपीज के आसपास है,
पैग रेशियो 1% के ऊपर है, प्राइस टू बुक वैल्यू 21 गुना ऊपर है, तो ये पॉइंट्स नेगेटिव भी है। देखिए हर चीज पॉजिटिव होगा किसी भी कंपनीज के ऊपर, ऐसे होगा नहीं। चाहे वो वर्ल्ड की किसी भी कंपनीज को पकड़ लीजिए, वर्ल्ड के नंबर वन कंपनी को भी पकड़ लीजिए, उसके भी इसी तरीके से हालत आपको दिखेगा। तो कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, सॉरी क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करते, कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज किया और इस बार फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 करोड़ तक क्वार्टरली रिजल्ट को रिप्रेजेंट किया। इसका मतलब सेल्स भी हाईएस्ट है, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, और मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट है और कंपनी के नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट है। तो कंपनीज की कंटिन्यूसली ये जो जर्नी हुआ, इस जर्नी के पीछे कंपनीज में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और कंपनी की रही बात एज ए इन्वेस्टर, तो एज ए इन्वेस्टर क्या करा है वो देखिए, कंटिन्यूसली इन्वेस्टर इसके होल्डिंग्स को इंक्रीज करते जा रहा है। देखिए म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग्स नहीं था, वो धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है, एफएस के पास भी होल्डिंग्स भी इंक्रीज हो रहा है, और प्रोमोटर के पास देखिए जो होल्डिंग्स था पहले 29% के आसपास, वो होल्डिंग को लॉक मतलब लॉक हुआ था, वो लॉक को क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया, और जो प्रोमोटर ने माल बेचना चाह रहे थे वो प्रोमोटर माल बेचना मतलब बेच पाए, फास्ट माल बेच पाए कि दिसंबर 2022 के क्वार्टर्स में। तो आज भी देखिए प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो एक पैटर्न्स मैंने आपके साथ मेंशन किया था, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, और देखिए बार बार वो हैंडल क्रिएट कर रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, और देखिए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी टारगेट भी अचीव किया। देखिए ये सब कुछ पेशेंस का गेम है, जो लोग यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक पेशेंस के साथ बने रहे कब एंट्री मिलेगा और एंट्री मिलने के बाद हम लोग एंट्री लेंगे, तो बेस्ट तरीके से एंट्री मिला और टारगेट भी बेस्ट तरीके से अचीव हुआ। तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि कंपनी में आपको मतलब टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करूं, उसका नाम है पॉलीकैप। देखिए पॉलीकैप इंडिया के नंबर वन कंपनी है केबिल बनाने इंडस्ट्रीज में, मतलब केबिल इंडस्ट्रीज में, और पॉलीकैप मेरे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही इन्वेस्टमेंट भी करके रखा हूँ, उसके साथ साथ जब जब कोई ट्रेड बनता है तब तब मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड भी ले लेता हूँ, क्योंकि जो कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट है उस कंपनी में जब कोई ट्रेड मिले, जब कोई पैटर्न क्रिएट हुआ, तो उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। देखिए ये मेरा राय है, आपके राय अलग हो सकते हैं। तो मतलब केबल्स इंडस्ट्रीज में इस कंपनी मार्केट कैप को कितना बढ़ा चुके हैं, करीबन 80,000 करोड़, और कंपनी का पी रेशियो कितना है, 54 के आसपास है, और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में देखने को मिला। और सबसे मजेदार बात क्या है आप जानते हैं, कंपनी इतना बड़ा होने के बाद भी कंपनी के पास मतलब कर्जा जो है वो एकदम ना के बराबर है, जीरो कर्जा बोल सकते हैं, और एनुअल इनकम भी बेस्ट है, और कंपनी के प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स भी बेस्ट है, और साथ ही साथ फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के हाथ में जो कैश है वो भी पॉजिटिव है, मतलब उस पैसे को कंपनी के बिजनेस पर्पस में यूज भी कर सकते हैं। जब आपके हाथ में एक्स्ट्रा पैसा पड़े रहते हैं उस पैसे को आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बिजनेस पर्पस में भी लगा सकते हैं। तो कंपनी ने उस पैसे को रीयूज अभी तक नहीं किया, तो कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो कंपनीज के देखिए सबसे जो बेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट कवरेज बेस्ट है, रिटर्न ऑफ एसेट एवरेज के ऊपर है, एवरेज के आसपास है, आरओसी 3 साल में अच्छा खासा है, एबिटा मार्जिन भी बेस्ट है, क्विक रेशियो भी पॉजिटिव है 1% के ऊपर है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हाई है, मतलब 11 टाइम्स के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू के 11 टाइम्स के ऊपर। तो फिर भी कंपनी जब अच्छा होता है तब उसके ऊपर वैल्यूएशन लोग चेक ना करके ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है, बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखिए, लास्ट कुछ फ्यू मतलब यस का जून का जो क्वार्टर दिखा दूं तो कंटिन्यूसली सेल्स को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कराया, अलग लेवल में सेल्स को इंक्रीज किया, और उसके बाद कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। तो ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा देखने को मिला, और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। और कैश का मतलब कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के कैश फ्लो पॉजिटिव में है, अगर कैश फ्लो नेगेटिव में होता तो मैं थोड़ा सा कंपनी के ऊपर अलग लेवल में सोचता। और दूसरी बात, कंपनी के फिक्स एसेट परचेज में कंपनी इस बार 450 करोड़ बोल सकते हैं, 480 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार फिक्स एसेट को परचेज किया। और इन्वेस्टमेंट परचेज में भी देखिए कंपनी कितना पैसा लगा, करीबन 9000 करोड़ के आसपास। पहले देखिए 2020 में कंपनी इन्वेस्टमेंट परचेज में 30,000 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। कंपनी का मैनेजमेंट मुझे बहुत स्ट्रांग इसीलिए लगता है क्योंकि देखिए कोविड के टाइम में इसका बिजनेस उतना ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रहा था, इसलिए क्या किया, एक्स्ट्रा जो पैसे पड़े हुए थे
उस पैसे से कंपनी क्या कर दिया, परचेज कर लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, उस इन्वेस्टमेंट का फायदा आज कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो रही बात इस कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास निवेश है, और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, ब्रेकआउट भी हुआ और 26% के आसपास टारगेट भी बना। फिर से इस जगह पे मैंने एंट्री लिया था, कुछ टाइम तक यहाँ पे टाइम बिताया और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, प्रीस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा एग्जिट लेवल एक्चुअली इस जगह पे है, मैंने यहाँ से एग्जिट कर लिया। तो फिलहाल मैं फिर से एक बार एंट्री ले चुका हूँ छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ, और एंट्री किस लिए लिया मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कंपनी एक रेजिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल बनाया। तो जब मतलब कोई भी सपोर्ट लेवल में हैमर जैसे कैंडल क्रिएट करे तो हायर पॉसिबिलिटी है उसको ब्रेकआउट होने के बाद एक जर्नी देखने को मिल सकता है। देखिए इसके नीचे मेरे स्टॉप लॉस है और कंटिन्यू में अभी ट्रेड को ट्रेल करता रहूंगा, मैं हायर लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, इस लेवल को ब्रेकआउट कर चुके हैं, अभी देखना है कंपनी कितना जर्नी कर सकते हैं। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड एक मेरे हिसाब से एक अच्छा कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनी के बिजनेस मॉडल भी बहुत स्ट्रांग है। इस कंपनी की जो मतलब प्लेटफॉर्म है, कंपनी के जो बिजनेस है, आप देखेंगे तो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, कंपनी कंज्यूमर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, जिस जहाँ पे एक्विजिशन है, साथ ही साथ एंगेजमेंट है, साथ ही साथ ट्रांजेक्शन है, इस तरीके से प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम कर रहा है। एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म मतलब ई कॉमर्स बिजनेस, उसके साथ साथ जो एप्स डेवलपमेंट, उसके साथ साथ देखा जाए तो मतलब लैंडिंग प्लेटफॉर्म, उसके साथ साथ वेब मतलब वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के देखिए बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है और कंपनी क्लाउड सर्विसेज, ऐप डेवलपमेंट और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी एनेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कॉमर्स जो बिजनेस है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है, उस हिसाब से मुझे लगता है इस कंपनी में अपकमिंग कुछ टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी है। रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस का, कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसका मतलब इसका हाई ग्रोथ होने का चांसेस है, एक बड़ा होने का बड़ा कैपेबिलिटी रखने का पोटेंशियल रखते हैं। 14,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और इस मार्केट कैप को लेकर चल रहा है कंपनी, जिस तरीके से कंपनी को अलग लेवल में रिप्रेजेंट देखने को मिल सकता है। कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी के पी रेशियो और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखा जाए तो थोड़ा सा हाई है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी अच्छा खासा है, हाथ में कैश भी है, कर्जा एकदम जीरो है, और सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज शानदार है, रिटर्न ऑफ एसेट एवरेज के आसपास है, आरओसी 3 साल में बेस्ट है, इबिट्टा मार्जिन भी बेस्ट है, क्विक रेशियो देखा जाए तो 2.89 के आसपास है। इसका मतलब हर दिशा में देखा जाए तो कंपनी में अलग लेवल में परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कंपनीज के जो बैलेंस शीट है यहाँ पे मुझे एक चीज अच्छा लगा, कंपनी के देखिए कंटिन्यूसली रिजर्व बढ़ते चले गए और कर्जा कम होता गया और कंपनी के फिक्स एसेट भी बढ़ते चले गए, और उसके साथ साथ कंपनी CWIP, इसका मतलब है आप देखेंगे तो CWIP का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल अभी भी प्रोसेसिंग में चल रहा है, कुछ कैपिटल प्रोसेसिंग में लगा कर रखे हैं, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली वो पैसा फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। इसका मतलब फिक्स एसेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कंपनी में इसीलिए मैं बहुत स्टेबिलिटी फील कर रहा हूँ। और कंपनी के ऊपर देखिए ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करें तो कंपनी इस बार 245 करोड़ के आसपास कंपनी ट्रेड को रिसीव किया, मतलब प्रोजेक्ट को रिसीव किया, इस प्रोजेक्ट के चलते हुए अपकमिंग कुछ टाइम में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कंपनी के एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। और रही बात इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी के देखिए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में, जैसे मई मंथ, जून मंथ, जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, इस सारे मंथ के डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट डेटा परफॉर्मेंस देखने को मिला, बेस्ट यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में डिस्कशन करूँ तो एफएल इंडिया के ऊपर देखिए एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और उसको ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कन्फर्मेशन भी हो चुके हैं, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने कन्फर्मेशन दे दिया, तो मेरा एंट्री लेवल इसके ऊपर एक थोड़ा सा एंट्री में कर चुका था और मैं नीचे आया तो फिर से क्वांटिटी ऐड कर चुका हूँ। तो मैं इंतजार करूंगा इस लेवल तक टारगेट पाने के लिए, जो टारगेट बन के आ रहा है करीबन 1300 मतलब 1357 के आसपास, और इस टारगेट प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसी स्विंग हाई के आसपास है, तो इसका मतलब हायर लेवल में है, इस टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। देखिए 100% कोई सियोरिटी नहीं होता कि टारगेट होगा ही करके,
क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई 100% श्योर अगर आपको बता रहा है तो सोचिएगा वो आपको गलत बता रहा है। मैं भी आपको यही कहूंगा, यहाँ पे कोई 100% नहीं श्योर हो आपको है, मतलब नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा प्रेडिक्शन करके ही काम करना चाहिए। तो देखिए, नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी ने खासियत यही है कि कंपनी लास्ट ईयर्स लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस किया। कंपनी आपको मतलब फंड डबल के आसपास कर दिया, 220 से कंपनी 400 तक गया, जिसका मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास कर दिया। और इसीलिए शायद कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया स्प्रिट देने का, कंपनी की जो प्राइस 10 रुपीज़ है और 10 का फेस वैल्यू है वो 1 बनेगा। इसका मतलब 1 के बदले 10 शेयर आपको बोनस के हिसाब से, सॉरी स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। ये बात भी याद रखना, कंपनी का प्राइस आज 400 में है, जब आपको स्प्लिट मिलेगा इसका 10 टाइम्स कम भी हो जाएगा। इसका मतलब आपका टोटल 40 शेयर प्राइस पर शेयर में आपको 40 रुपीज़ दिखेगा। तो इस बात को आपको याद रखकर काम करना पड़ेगा, सोच समझ कर काम करना पड़ेगा। तो मेरे वीडियो टोटली एडुकेशन पर्पस में था। अगर वीडियो से आपको कुछ अच्छा जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।